तो आज हम लोग हैं दार्जिलिंग में और ये वीडियो है बजट ट्रिप टू दार्जिलिंग। और इस रेलवे स्टेशन से कंचनजंगा का भी टॉप दिखता है। तुम बनाए हुए हो गर्लफ्रेंड के, हम बनाए हुए। अरे दिख रहा है ये मेरा मुंह है, ये है मोमोज। एक्चुअली आज डे टू है दार्जिलिंग में और ये जर्नी शुरू होती है सिलीगुड़ी से। हम लोगों ने सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग मोड़ से टैक्सी लिया, 200 रुपीस पर पर्सन था फेयर। और करीब करीब एक घंटा बहुत ही सुंदर व्यू को एंजॉय करने के बाद हमने 20 मिनट का एक मोमो ब्रेक लिया, बहुत ही टेस्टी मोमोज। और फिर मोमोज खाने के बाद हम लोग वापस से निकल पड़े दार्जिलिंग की ओर, बहुत ही अच्छा अति सुंदर दृश्य का आनंद उठाते हुए। और हम लोग को अराउंड 2.5 घंटा लगा अपने होटल तक पहुंचने में। एक्चुअली हमारा जो होटल है वो मेन सिटी दार्जिलिंग से थोड़ा दूर है, तो हम लोग थोड़ा सा वॉक करके जाएंगे नज़ारा का आनंद उठाते हुए। 3 बजने वाला है और यहाँ पर 4:30 में सनसेट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं कहीं पर और खाते हैं और बजट खाते हैं। पैसा बचाने का सबसे अच्छा उपाय थोड़ा पैदल चल के इंजॉय कर लो। और याद रहे कि आप लाल जैकेट पहन के घूमे कि कोई गाड़ी आपको ठोके नहीं। तो बहुत खोजने के बाद हम लोग एक छोटे से कैफे में आके बैठे हैं क्योंकि मोमोज खाने का बहुत मन हो रहा था। और यहाँ से भी 10-15 मिनट्स वॉक है दार्जिलिंग का मेन सेंटर जो है। कोविड टाइम में घूमने में तो फायदा है क्योंकि भीड़ उतना नहीं रहता है, लेकिन एक नुकसान है हम लोग को नहीं, छोटे कैफेज और रेस्टोरेंट्स में यहाँ का सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम हो गया है। तो आप जब भी ऐसे जगह पर आते हैं दार्जिलिंग या फिर सिलीगुड़ी या फिर गैंगटॉक कहीं पर भी जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि ऐसे छोटे कैफेज में और रेस्टोरेंट्स में ही खाएं। बताने का जरूरत नहीं है कि कितना हेल्प होगा। दार्जिलिंग जब भी आप आए तो आप एक जगह जरूर जाए, ओ बेस्ट, दार्जिलिंग का वन ऑफ द बेस्ट, क्या मतलब इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट है दार्जिलिंग। तो ये सब जगह आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और ये सब बहुत यूनिक सब जगह होता है। क्यों तुमको है क्या फाइल? अभी तो थोड़ा शाम हो गया है और हम लोग अभी दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन वाले स्टेशन पर हैं। और इस रेलवे स्टेशन से कंचनजंगा का भी टॉप दिखता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा धुंध है और शाम भी हो गया है तो अभी पॉसिबल नहीं है और कल भी शायद पॉसिबल नहीं होगा। ठंडा के टाइम में बहुत कम चांस है, लेकिन हम लोग कल ट्राई करेंगे। यहाँ पर चॉकलेट भूल गया, आधा का कैसे छोड़ा जाता है रोड पे? अरे गिर गया हाथ से, चला गया उधर। तो अच्छा से पॉकेट में कहीं नहीं रखते? थोड़ा बड़ा है ना। जब आप दार्जिलिंग आए और आपके पास पानी खरीदने का भी पैसा नहीं है, तो मेरे पास एक उसके लिए आइडिया है छोटा सा, पता नहीं क्या आप लोग गेस कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि आपका बजट जितना भी कम हो, लेकिन आपको एक मोमेंटो लेना चाहिए अपने हर एक ट्रिप के लिए। और यहाँ के मेन मार्केट में एक प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा महंगा मिलेगा आपको, तो हो सकता है कि अगर आप ऐसे दुकान से ले जो बीच सेंटर मार्केट में नहीं है, तो शायद आपको सेम चीज़ आपको बहुत सस्ते प्राइस पर मिल जाएगा। ये वाला शॉप यहाँ का बहुत पुराना है और बहुत ही विंटेज फील दे रहा था अंदर से, मतलब बाकी सब तो नया नया लग रहा था, लेकिन ये पुराना होने के बावजूद भी बहुत महंगा है। तो मस्त लग रहे हो, दिखो रुको जा पानी। हंटर लग रहे हो तुम। ये वाला ना बहुत ही ज्यादा। तो मेरे को मोमेंटो के लिए ये एक विंड चाइम पसंद आया। और फ्लैग तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस एरिया में आते हैं तो, अपने घर के लिए, अपने कार के लिए, कहीं के लिए फ्लैग ले। और सबसे अच्छा बात फ्लैग का कि सबसे चीप एंड बेस्ट, आप इस वाले मार्केट में 500 रुपए में इतना सारा सामान ले सकते हैं कि अपने दोस्त, फैमिली, घर बाहर, परिवार सबको आप गिफ्ट दे सकते हैं। घर के बाद बाहर से क्या मतलब है तुम्हारा? बाहर से क्या मतलब है? तुम बनाए हुए हो गर्लफ्रेंड के, हम बनाए हुए। अरे तो बजट ट्रिप हैक, मेन मार्केट से शॉपिंग नहीं करना है, साइड वाले मार्केट शॉपिंग करना है क्या? तो हम लोग पूरा दार्जिलिंग का मेन मार्केट घूम चुके और हम लोग को थकान हो गया है काफ़ी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग का 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ है। नहीं ना, अगर आप टैक्सी करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा हो, लेकिन हम लोग को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ। हाँ ठंडा तो बढ़ गया दिख रहा है।
आप लोग को शाम में थोड़ा धोखे में रखे कि कंचनजंगा नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी दिख रहा है, रात में दिख रहा है, इतना अमेजिंग चीज। बस ये वाले कंचनजंगा का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो अभी हम लोग अपने होटल रूम आ गए हैं, लेकिन आपको दो तीन चीज ध्यान रखना है कि अगर आपके शरीर में जान बचा हुआ है तो आप पैदल चल के अपने होटल जा सकते हैं, पैसा बचेगा। दूसरा चीज, आप टैक्सी ले सकते हैं, लेकिन रात में आपको बहुत ज्यादा चार्ज करने के लिए बोलेगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ के लोकल से 20 या 30 रुपए लेता है। तो मेरा भी टैक्सी वाले ड्राइवर से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। इतना दूर है आपको, 15 मिनट बोल रहा है। पहले तो 200 मांग रहा था, लेकिन फिर 40 में माना, फिर जब होटल पहुंचा तो 100 रुपए मांगने लगा, तभी उसको 60 रुपए दे दिए। तो आप लोग पहले क्लियर कर लें इस चीज को। और तीसरा चीज ये कि आपको अगर खाना है तो आप शाम में 7 बजे तक ही बाहर खा सकते हैं, क्योंकि फिर सब बंद होने लगता है। और अगर आपको होटल में खाने का मन है अपने, तो आपको जल्दी से ऑर्डर करना पड़ेगा। और हम लोगों ने बहुत मस्त खाना ऑर्डर किया है, और अभी हम लोग खा के मस्त सो जाएंगे, और आप लोग से मिलते हैं कल सुबह। और आज day 2 है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये जो मेरा ड्रेस है ये day 1 का ही है। तो एक लाइफ हैक कि अगर आप रिवर्सिबल जैकेट अपने साथ रखते हैं तो आपका एक जैकेट 2 दिन के लिए काम करेगा और काफी अच्छा अच्छा फोटोज आएगा। तो आज है दार्जिलिंग का day 2, और अभी से होता है हमारा दूसरा दिन शुरू।